लोकानां यद्विद्या दर्पणायते। रत्नकरण शौकाचार पेज नंबर 182। अपना प्रकरण तो षट आवश्यक का चल रहा है। गृहस्थ के जो अवश्य करने योग्य कार्य हैं, जिनको हम कहते हैं आवश्यक, आवश्यक माने अवश्य करने योग्य कार्य, तो ऐसे जो अवश्य करने योग्य छह आवश्यक है, छह आवश्यकों में अपन अंतिम आवश्यक दान का वर्णन कर रहे हैं। रत्नकरण शौकाचार के आधार से अपन ने प्रारंभ किया था। पेज नंबर 182 पे अपन ने रोका था, ऊपर का पैराग्राफ पढ़ा था अपन ने, नहीं पढ़ा था ऊपर का पैराग्राफ, देखो उत्तम पात्र की दुर्लभता ने 181 पे छोड़ा था अपन, 181 उत्तम पात्र की दुर्लभता, वस्तिका कैसी होनी चाहिए ये तो पढ़ा था ना, उसके बाद वस्तिका कैसी होनी चाहिए के बाद मिला। पेज नंबर 181 पे सेकंड लास्ट पैराग्राफ, उत्तम पात्र की दुर्लभता, इस पंचम काल में वीतरागी भावलिंगी साधु कोई विरला ही देशांतर में रहता है, उनकी प्राप्ति होती नहीं। पात्र का मिल जाना तो चतुर्थ काल में ही बड़े भाग्य से होता था, परंतु उस समय इस क्षेत्र में पात्र तो बहुत थे। अब दुष्यम काल में यथावत धर्म के धारक उत्तम पात्र कहीं देखने में नहीं आते हैं। धर्म रहित अज्ञानी लोभी बहुत विचरते हैं, वे अपात्र हैं। इस काल में धर्म प्राप्त करने वाले गृहस्थ जिन धर्म के धारक श्रद्धानी भी कोई कहीं कहीं मिलते हैं, मैंने उत्तम पात्र तो ठीक है, जिन धर्म के धारक धर्म प्राप्त करने वाले गृहस्थ श्रद्धानी भी कहीं कहीं कोई कोई मिलते हैं, बात तो बहुत ऊपर की बात है। एक यथार्थ धर्म का धारक श्रद्धानी मिलना भी दुर्लभ है। क्या एक भी ऐसा गृहस्थ शावक भी मिल जाए जो धर्म धारण करने का पात्र, धर्म प्राप्त करने वाला हो, धर्म जिसने मैंने धर्म की जिन धर्म का धारक हो, श्रद्धानी हो और धर्म प्राप्त करने वाला हो, ऐसा एक गृहस्थ ही मिलना दुर्लभ। क्या धर्म रहित अज्ञानी लोभी उनकी भीड़ है, मैंने धर्म धर्मात्मा के नाम पे लोभी विचरने वाले बहुत है, अज्ञानी लोभी, लेकिन यथार्थ धर्म को जानने वाले मिलने दुर्लभ। ये 250 साल पहले किसी ने लिखी है, तो अब तो और उसमें और गिरावट यही ना, मैंने यथार्थ धर्म धारण करने वाले कम है, ऐसे तथाकथित धर्मात्मा तो बहुत ढेरों ने, अंतरंग में मैंने उनके जो है धर्म की वासना नहीं है, धर्म की वासना जिसके हो अंतरंग में, सचमुच संसार भय से भयभीत हो, दुखों से भयभीत हो और संसार शरीर भोगों से विरक्त हो और निरंतर स्वानुभव रस का रसिक हो, आत्मिक रस का इच्छुक हो, ऐसा मिलने वाले ही बिरला है। ऐसा कहते हैं ऐसे गृहस्थ की प्राप्ति होना दुर्लभ है, और गृहस्थ की प्राप्ति दुर्लभ है, उसके ऊपर जाएंगे तो और ऊपर उत्तरोत्तर और दुर्लभ। ईमानदार धर्मात्मा जिसको मैं कहता हूँ कि ईमानदार धर्मात्मा भी इस पंचम काल में मिलना दुर्लभ है, बाकी यूं बेईमान तो बहुत सारे मिल सकते हैं, दिखावे के कहो काय के भी कहो जिसको कहना हो, लेकिन ईमानदारी से धर्म साधन करे, धर्म के फल में और कुछ नहीं चाहे,
कोई पद को नहीं चाहे, कोई ख्याति नहीं चाहे, कोई पूजा नहीं चाहे, कोई धन का लाभ नहीं चाहे, कुछ नहीं चाहे, एकमात्र मोक्ष चाहे, ऐसे जीव मिलना भी दुर्लभ है। देखो उन्होंने ये कहा कि इस पंचम काल में वीतरागी भावलिंगी साधु कोई बिरला ही देशांतर में रहता है, उसे मना भी नहीं किया कि नहीं होता, बिरला ही मिलता है, उसकी प्राप्ति विरल है। पात्र का मिल जाना पहले ही बड़े भाग्य सा था चौथे काल में, और अब तो उस समय तो फिर भी थे, अब तो इस दुखम काल में यथार्थ धर्म के धारक उत्तम पात्र कहीं देखने में नहीं आते। मैंने यूं तो सब धर्म रहित अज्ञानी लोभी तो बहुत विचरते हैं, परंतु उनको क्या उपमा दी है, अपात्र। तीन तरह के पात्र होते हैं, एक पात्र, एक कुपात्र और एक अपात्र। कौन कौन से तीन होते हैं? पात्र, कुपात्र और अपात्र। किसको कहते हैं पात्र, किसको कहते हैं कुपात्र और किसको कहते हैं अपात्र? ये सब आगे लक्षण आएंगे इनके। पात्र तो कौन है? रत्नत्रय का जो धारी है वो पात्र है, है? 177 पे भी है और नीचे दर 192 पे भी है और 91 पे 177 पे भी है 191 पे देख लो पहले। पात्र के तीन भेद कहे ना, ये वाले पात्र नहीं, अपना तो तीन दूसरे पात्र बता रहे, पात्र, कुपात्र और अपात्र। इसमें पात्र तो सबको समझ में आता होगा, रत्नत्रय के धारी हो पात्र, उसमें भी पात्र के भी तीन भेद हैं, उत्तम पात्र, मध्यम पात्र, जघन्य पात्र। उत्तम पात्र माने वीतरागी भावलिंगी संत, समस्त प्रकार के परिग्रह के त्यागी, तीन कषाय चौकड़ी के अभाव करने वाले, तीन कषाय चौकड़ी से रहित और ज्ञान ध्यान तप में लीन रहने वाले, सब जीवों पर संभाव धारण करने वाले, ऐसे वीतरागी गुरु वो तो उत्तम पात्र। और मध्यम पात्र है देशव्रति, देशव्रति माने जिसने आंशिक व्रत भी धारण किए, 12 प्रकार के व्रतों को धारण किया है, 11 प्रकार की प्रतिमाओं में से कोई प्रतिमा से संयुक्त है, पंचम गुणस्थान व्रति, एक देश पापों का त्याग करने वाला ऐसा अनुव्रति प्रतिमाधारी, वो मध्यम पात्र। वो भी कैसा है, उसके साथ शर्त है सम्यक दर्शन सहित 2 कषाय चौकड़ी का उसके अभाव, क्योंकि पात्र बिना सम्यक दर्शन के भी पात्र नहीं होता, सबसे पहली शर्त है पात्र के लिए। चौथे गुणस्थान का नाम है अविरत सम्यक, तो चौथे गुणस्थान की पहली शर्त है कि वो सम्यक दृष्टि होना चाहिए, तो वो जो चौथे की शर्त है वो ऊपर के सारे गुणस्थानों के लिए अनिवार्य चीज है। माने चौथे के ऊपर के जितने भी गुणस्थान है वो सब सम्यक दृष्टियों के ही होते हैं, तो सम्यक दर्शन सहित 2 कषाय चौकड़ी का जिसके अभाव है और जिसके बाह्य में अनुव्रत आदि हैं, ऐसा जीव मध्यम पात्र। और जिसके केवल सम्यक दर्शन है, कोई व्रत आदि नहीं है, वो जघन्य पात्र। तीनों में सम्यक दर्शन की अनिवार्यता, अव्रत सम्यक दृष्टि, चतुर्थ गुणस्थान वृत्ति जघन्य पात्र है, सम्यक दर्शन सहित 2 कषाय चौकड़ी का अभाव करने वाला देशव्रति श्रावक मध्यम पात्र, सम्यक दर्शन सहित 3 कषाय चौकड़ी का अभाव करने वाले वीतरागी भावलिंगी संत वे उत्तम पात्र। ठीक है ना, हर एक के अंदर शर्त ये क्या है, कषाय का अभाव होना। अनुव्रत महाव्रत पात्रता भी प्रदान करते, सम्यक सहित कषाय चौकड़ी का अभाव पात्रता प्रदान करता है।
एक कषाय चुपड़ी का, सम्यक दृष्टि एक, अनुरति सम्यक दर्शन सहित हो, ओ सम्यक दर्शन सहित अनुरति हो और दो कषाय चुपड़ी का उसके अभाव, क्योंकि ये नियम नहीं है, मतलब अनुरत कषाय चुपड़ी के अभाव का नियामक नहीं है, समझ में ना, क्योंकि मिथ्या दृष्टि भी महाव्रति देखे जाते हैं, अनुरति देखे जाते हैं, इसलिए अनुरत महाव्रत कषाय चुपड़ी के अभाव का नियामक कारण, माने नियामक कारण माने महाव्रत होंगे तो कषाय चुपड़ी का अभाव होगा ही, ऐसा नियम नहीं है, लेकिन उल्टा नियम जरूर है। उल्टा नियम माने कषाय चुपड़ी का अभाव होगा जिसके, उसके नियम से एक कषाय चुपड़ी का अभाव है माने उसके सम्यक दर्शन है, दो का अभाव होगा तो उसके नियम से अनुव्रत होंगे ही होंगे, तीन का अभाव है तो उसके नियम से महाव्रत तो होंगे ही, ये मतलब वो व्याप्ति एक तरफ से अनुव्रत होने पर सम्यक दर्शन हो जाए, कषाय चुपड़ी का अभाव हो जाए ऐसा नहीं है, लेकिन सम्यक दर्शन सहित दो कषाय चुपड़ी का अभाव होगा तो उसके बाहर में अनुव्रत देखने आए, अनुव्रत आए बिना रहेंगे, होंगे ही होंगे उसके, क्योंकि वो दो कषाय चुपड़ी का अभाव हो जाएगा तो उसको उस जाति का राग रहेगा ही नहीं, जैसे कोई कहे कि मेरे तीन कषाय चुपड़ी का अभाव मेरे है, लेकिन अभी वस्त्र का त्याग हुआ नहीं है, बस अभी राग का अभाव हुआ है, अब बस करने वाला हूँ, तो करने वाला तो अभी कैसे हो सकता है वस्त्र, ये वस्त्र पहना हुआ है राग से कि बिना राग से, राग से तो राग है ना उसके, स्पष्ट है राग, तो इसलिए वस्त्र है यानी राग तो है ही, लेकिन ये हो सकता है कि वस्त्र का त्याग भी कर दूं मैं और फिर भी राग न जाए, ये संभव है, लेकिन राग चले जाए और वस्त्र रह जाए ये संभव नहीं, समझ में आ रही ना बात, क्योंकि वस्त्र का त्याग करने से राग नहीं चले जाता, तो सबसे सरल काम होता तो रोज सुबह नहाते नहाते अपने राग चले जाता, त्रियंश होते तो राग चला जाता, नारकियों के राग चला जाता, लेकिन वो उसका वो केवल छोड़ने मात्र से वो राग नहीं चले जाता, वो तो वास्तव में तत्वज्ञान पूर्वक वो विषयों की विरक्तता होने से उसका राग जाता है, और फिर राग जाता है तो सहज उसका त्याग बाहर में होता ही होता है, यूं कहे त्याग होने पर ही उसको अंतरंग से उस जाति की विरक्तता टूट जाती है, सम्यक दर्शन सही, सम्यक दर्शन नहीं है मैं सबके लिए, सम्यक दृष्टि होगा वो जीव विषयों का बुद्धिपूर्वक त्याग करेगा, स्वरूप की स्थिरता बढ़ाएगा तो उसके दो कषाय चुगड़ी का अभाव होगा, स्वरूप में तीन समस्त परिग्रह का त्याग करके स्वरूप में लीन हो जाएगा तो तीन कषाय चुगड़ी का अभाव हो सकता, ऐसा कषाय चुगड़ी का अभाव हर चीज में ध्यान रखना, सारे गुणस्थान कषाय चुगड़ी का अभाव, कितनी जितनी कषाय, एक कषाय चुगड़ी का अभाव है चौथा गुणस्थान, दो का अभाव है पांचवा, तीन का अभाव है छठा सातवां, चारों का अभाव है बारहवां, और घातिया कर्मों का भी अभाव है तेरहवा, सब कर्मों का अभाव है सिद्ध, ये हो गए गुणस्थान। गुणस्थान जो है वो बिल्कुल रियल रियल नापने का थर्मामीटर है, आप सबको धोखा दे सकते हो लेकिन गुणस्थान को धोखा नहीं दे सकते, यदि वो गुणस्थान तो नापता है कि आप कहाँ हो, बस जैसे परीक्षा बताई थी कि अपन कितने पानी में है, पैरामीटर जैसे गुणस्थान पैरामीटर है, यदि वो गुणस्थान ये कि पेला है तो वो भले ही कोई कुछ भी कहे, अपन अपने को भगवान भी कहे दुनिया, लेकिन गुणस्थान पेला है माने मिथ्या दृष्टि, और दुनिया कोई नहीं पूजे क्या, यदि गुणस्थान चौथा है तो मोक्ष मार्ग ही संसार से पार होने वाला है, तो ये तीन प्रकार के पात्र हो गए, तीनों ही पात्र है यथा योग्य दान के योग्य है, उत्तम पात्र आहार औषध दान के योग्य, मध्यम पात्र उसके योग्य है, जघन्य पात्र उसके योग्य, सब पात्र है, लेकिन हे धर्म के सब क्या है, धर्म के धारक श्रद्धानी, जिन धर्म के धारक श्रद्धानी धर्म को प्राप्त करने वाले क्या है, अच्छा उसको छुल्लक एलक को उत्तम दिया है, यहाँ पे बोल लिया पीछे जो है ना बराबर, यहाँ इन्होंने मतलब छुल्लक एलक को मध्यम में लिया और पहले से लेके 10 प्रतिमा तक या दूसरी प्रतिमा से लेके 10 प्रतिमा तक उसको जघन्य पात्र मिली, मैंने
अरुति शाम का है वो, उसको आगे ले गई, खैर समदत्ती के अंदर लिया उसको, मैंने अपने समान है वो, इस अपेक्षा से उसको कहा, वैसे उसको दान की आवश्यकता ही नहीं है। दान की आवश्यकता तो जिन्होंने सब कुछ त्याग कर दिया है, दान की आवश्यकता तो उनको है, और उनके लिए भी वही चीज आवश्यक है जो उनको जीवन के लिए अनिवार्य है, बाकी तो उनको भी कोई जरूरत ही नहीं है। और जिसने नहीं त्यागा है, जैसे छुल्ला गेलक है, छुल्ला गेलक ने भी सब त्याग दिया, भोजन मतलब त्याग दिया, उन्हें वस्त्र भी जो लेंगे वही है, और भोजन दो चीज के अलावा उनके भी कोई चीज का ग्रहण नहीं है। मैंने अपन यहाँ अपने जैन दर्शन में अपन जो दान देते हैं वो उन्हीं को देते हैं जिन्होंने सब त्याग दिया है, जिन्होंने कुछ त्यागा नहीं उनको दान नहीं दिया जाता। इसलिए अपने ये जो है ना, ये 100-100 रुपए का, 11-1100 रुपए का, 1000-1000 रुपए का जो दान वान नहीं होता, ये जिसने त्यागा ही नहीं उसको क्या दान दे। दान का पात्र तो वो है जिसने सब छोड़ दिया, और उसने सब चूंकि छोड़ दिया है तब आर कौन कराएगा उसको, औषध कौन कराएगा, तो उसको दे भाई तुमने छोड़ दिया है इसलिए अब तुम्हारे आर की जिम्मेदारी दूसरे के ऊपर है। ये जिसे छोड़ा ही नहीं है, लेने ही बैठा है, तो वो दान का पात्र कैसे हो गया? तो तुम लेने बैठे तो हम भी लेने बैठे। भाई दान के पात्र के लिए पात्रता ये है कि आप सब छोड़ो, तो आप छोड़ो तो आप दान आप लेने के योग्य हो, और लेने के योग्य हो तो वही चीज जो आपके जीवन के लिए अत्यंत अनिवार्य है, बाकी और कोई चीज नहीं, क्योंकि और बाकी चीज का क्या उपयोग होगा, भोग में लगेगा। फिर धन का उपयोग क्या है? कषाय की पूर्ति, पंचेंद्रिय के विषय भोग, हिंसा आदि पांच पापों की वृद्धि, इसके अलावा तो धन का और कोई उपयोग है क्या? क्या करेंगे धन से बताओ? तो इसलिए धन तो दिया ही नहीं जाता, वो केवल अपन क्या रहते हैं आहार, क्योंकि वो उनके लिए जीवन के लिए जरूरी है, और औषध, छुल्ला गेला के तो उनके लिए भी आहार औषध, और कदाचित उनके लिए वस्त्र भी, क्योंकि वस्त्र भी चाहिए ना उनको, बाकी तो सब खुद अपने काम कर रहे, किसी की जरूरत ही नहीं, तो उसको क्या दान दे। दसवीं प्रतिमा तक जो है तो वो स्वयं ही अनुमति का त्यागी होकर ग्रह घर में रह रहा है ना, जैसे अनुमति त्यागी माने वो घर में अनुमति नहीं देगा, लेकिन रेखा रहा है घर में, ब्रह्मचर्य धारी है, तो अभी आरंभ का त्यागी नहीं हुआ। आरंभ का त्यागी प्रतिमा है आठवीं, और सातवीं प्रतिमा है ब्रह्मचर्य, तो ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है लेकिन आरंभ त्याग नहीं हुआ है। आरंभ त्याग इसलिए नहीं किया कि अभी उसके समस्त प्रकार के भोजन आदि का काम तो खत्म नहीं हुआ ना, छुल्ला गेलक तो बना नहीं है, और यदि वो आरंभ का त्याग कर देगा तो वो भोजन उसको कौन कराएगा? वो कोई मुनि तो ही नहीं बना कि घर घर जाके कहीं लाओ, मतलब वो आहार के लिए वो तो ही निकल सकता, छुल्ला गेलक निकल सकते हैं, मुनिराज निकल सकते हैं, और वो पात्र है, वो देने योग्य है, लेकिन इसके अलावा छुल्ला गेलक के अलावा और कौन निकलेगा? और कोई निकल सकता है? आरिका माता भी उसमें है, छुल्ला गेलक के साथ में आरिका माता को ले लेना, तो छुल्ला गेलक, आरिका माता और मुनिराज, ये तीन तो आहार के लिए निकलेंगे, आहार दिया जाएगा, लेकिन ये जो तीन ये नहीं है, अब उन्हें आहार लेना है तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? स्वयं बनाएंगे, अथवा तो परिवार में रह रहे हैं तो परिवार वाले बनाएंगे, और कोई तीसरा उपाय तो है कि है कोई तीसरा उपाय? और यदि वो स्वयं नहीं बनाएंगे तो वही तो ऐसे जीव है जो शुद्ध भोजन करने वाले हैं क्या? क्योंकि प्रतिमाधारी तो सबसे शुद्ध भोजन करता है, तो वो नहीं बनाएगा तो वो मुनिराजों को आहार देने वाला भी कौन रहेगा? माने वो तो देने वाला है, वो लेने वाला है ही नहीं, कौन? एक से दस प्रतिमा तक जो जीव है वो तो वास्तव में वो तो देने वाला दातार है, वो लेने वाला नहीं है। लेने वाले केवल दो ही है बस, और वो उनके लिए लेना इसलिए अनिवार्य है कि उनके लिए कोई ऑप्शन ही नहीं, क्योंकि उन्होंने सब छोड़ दिया है, तो उनके लिए वो योग्य है, क्योंकि उन्होंने आहार मतलब सब परिग्रह छोड़ दिया,
घर बार सब छोड़ दिया, चुल्ला गलकने भी सब छोड़ दिया, मुनिराज के पास रहते, तो उनके लिए तो बराबर योग्य व्यवस्था होगी होगी, मतलब उनके लिए तो आहार दान लेना वो योग्य है। लेकिन जिसने नहीं सब छोड़ा है, जिसके अभी बैंक बैलेंस है, वो यदि दूसरों से आहार लेगा तो उसका बैंक तो बैलेंस बढ़ते ही जाएगा, करेगा क्या उसका। अनुमति का नहीं, नहीं वो अपने पास पहले क्या होता है इसका आरंभ त्याग, परिग्रह त्याग, अनुमति त्याग, ये 8, 9 और 10 प्रतिमाओं के नाम। तो आरंभ का त्याग तब होता है, तब जैसे आरंभ माने नए कमाने का त्याग, जब अपने पास में इतना परिग्रह हो कि अपने को किसी से याचना न करनी हो, फिर आरंभ त्याग किया अपने। यदि अपने को लगे कि नहीं अपने को याचना करनी पड़ेगी तो वो आरंभ त्याग नहीं कर सकता, क्योंकि वो क्या होगा कि वो यदि किसी से याचना करेगा तो जिससे याचना करेगा तो उससे आरंभ तो उसने कर ही लिया ना, और फिर वो उसका खुद का ही आरंभ करेगा कि दूसरे का भी करेगा। मैंने आज का गृहस्थ अपने बाल बच्चों को ही नहीं पाल पा रहा है, वो और किस किस को पालेगा, उसके खुद के माँ बाप और खुद के बाल बच्चे और खुद की पत्नी, खुद का परिवार ही पल जाए बहुत है क्या। तो वो दूसरे का वजन लेने में समर्थ नहीं है, वो मुनिराज और चुल्ला गेलक को तो भोजन कराने में उसके लिए कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, क्योंकि वो तो उसके लिए सहज जो भोजन बनाता है रोज वो उसमें से दे दे, वो कोई उसके लिए बहुत बड़ा मतलब हेडेक नहीं। लेकिन ये जो किसी की आजीविका की व्यवस्था करना, तो वो तो एक इतना बड़ा फाइनेंशियल काम है कि वो मतलब वो सामान्य व्यवस्था तो नहीं, एक जीव की व्यवस्था करना पूरा, उसका भोजन, उसका पानी, उसका रहना, उसका खाना, उसके वस्त्र, उसके पूरा मेडिकल, माने ये तो एक अपने बाल बच्चे से भी ज़्यादा खर्चा है पूरा। बाल बच्चे का जैसा होता है कि पूरा तो उसकी पूरी योग, तो वो कौन करेगा। कदाचित कोई मिल भी जाए, लेकिन एक जनरल अपन बात करें, जनरल बात करें तो वो कुछ की ताकत मतलब कहीं यदि समझ लो संपन्न ना हो तो वो लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं कर सकते। तो फिर वो क्या करेगा, तो वो इसके लिए कहा कि भाई तुम्हारा जब तक स्वयं को भोजन की आवश्यकता है, अपने को धन की आवश्यकता लगती है, तो हम स्वयं आरम्भ करें, धन कमाएँ और उससे अपनी आजीविका चलाएं। आजीविका मतलब भोजन की, वस्त्र की। यदि अपने को कम आवश्यकता है तो आरंभ कम करें, लेकिन यदि सर्वथा आरंभ छोड़ दे और दूसरों पर आश्रित हो जाए और वो ना देगा तो फिर तेरे परिणामों में कलुष्टा आए बिना नहीं रहेगी। बच्चा कमाता क्यों है कि बापूजी यदि पैसा नहीं देंगे तो अपने यहाँ क्या होएगा, मैं अपने पाँव पर खड़ा हो जाऊँ। हर बाप क्या चाहता है अपने बेटों से, और बेटा भी क्या चाहता है। ये कोई अच्छा तो नहीं माना जाता कि अपन अपने पिताजी की पूंजी, पिताजी आपके पिताजी ने आपको मकान दिया ही, मैं भी इसमें ही रह लूँगा, पर आप कुछ तो छोड़ के जाओगे ही सही, वही खा लूँगा, और मेरी पत्नी भी उसे पली जाएगी। तो पिताजी कहता है कि ये बेटा जो है बिल्कुल बेकार निकला, कुछ काम का नहीं है, निरुद्यमी है, आलसी है, कुछ नहीं कर सकता जिंदगी। तो क्या करता है अपने पिता को, पिता अपने बेटे को क्या करता है, योग्य बनाता है आजीविका के योग, कि तुम अपने पाँव पर खड़े हो जाओ, अपना काम करो, हम अपना धर्म ध्यान करें, तुम अपना धर्म ध्यान करो। हमने जो पैसा कमाया है वो इसलिए तो नहीं कि तुमको दे के जाए और हम अपने बुढ़ापे में नौकरी करें, वह हमने अपना धन कमाया है उस पर पूरा अधिकार हमारा है, और हमने इसलिए कमाया कि हम बुजुर्ग अवस्था में उसको आराम से जो है अपने धर्म ध्यान कर सके। ये तुम हमसे कहोगे कि 70 साल की एज में कि पिताजी मेरे पास कुछ नहीं है, मेरी व्यवस्था करो, तो पिताजी का नौकरी ढूंढने जाएंगे। लेकिन योग्य व्यवस्था तो यही है, तो ऐसी व्यवस्था इधर है। तो वो आरंभ त्याग तब होगा, और फिर आरंभ त्याग होने के बाद में उसको लगता है कि भाई मेरे पास में बहुत परिग्रह है, पहले का ही बहुत परिग्रह इकट्ठा हो गया, तो अब इसको कम करना चाहिए क्या, क्योंकि मेरे को इतने की आवश्यकता नहीं है। तो वो फिर परिग्रह का त्याग करता है, उतना परिग्रह रखता है जो उसके जीवन के लिए आवश्यक है, माने वस्त्र का, भोजन संबंधी उतना परिग्रह रख के
बाकी सारा परिग्रह छोड़ देता है। किसको छोड़ता है? परिवार में बंटवारा कर देगा, धर्म के लिए दे देगा, जो भी काम उसके लिए करता। और फिर आखिरी में वो घर में रहने के अनुमति भी देना बंद कर देगा, क्योंकि अभी तक वो अनुमति एडवाइस दे सकता था। एडवाइस मतलब बच्चा पूछने आया, पिताजी इस सीजन में चीज़ खरीदना ठीक है कि नहीं है, तो अनुमति दे सकता है। जब तक अनुमति त्यागी नहीं हुआ है तब तक। लेकिन जैसे ही वो अनुमति त्याग प्रतिमा भी ले लेगा, तो फिर वो बच्चा पूछने आए कि मैंने इस सीजन के अंदर मैंने सोचा है कि सोयाबीन खरीद लूँ, वो खरीद ही लिए, वो पिताजी को ये मालूम भी हो कि इसके भाव गिर जाएंगे, लुट जाएगा, तो ये पिताजी इशारा भी नहीं करेंगे कि नहीं, कुछ नहीं बोलेंगे। पुत्री का विवाह कराना हो अपने, मतलब वो उसके बेटे को अपनी लड़की का विवाह करना हो, और विवाह करना हो तो ये बताए कि पिताजी फलाने व्यक्ति का पुत्र जो है वो पुत्र अपनी पुत्री से विवाह करना चाहता है, अथवा उनका प्रस्ताव आया है, वो पुत्र योग्य है कि नहीं है, वो लड़का योग्य है कि नहीं है, तो उसको ना वो हाँ बोलेगा ना उसको ना बोलेगा, कुछ नहीं बोलेगा, मौन रहेगा। बूढ़ा हो तो भी कुछ नहीं बोलेगा, अच्छा हो तो कुछ नहीं बोलेगा। अनुमति त्यागी हो गया ना, वो अनुमति का त्याग कर दिया उसको, किसी कार्य में मैंने किसी भी लौकिक कार्य में वो अनुमति नहीं देगा। रह रहा है घर में ही, इन घर में रहते हुए भी लौकिक कार्यों की अनुमति का उसने त्याग कर दिया। और फिर बाद में और आगे उसकी वितरागता बढ़ जाएगी, तो अब वो अपने लिए बनाए, अपने निमित्त से जो बनाया हुआ भोजन है उसको भी वो नहीं लेना चाहता, तो फिर वो घर छोड़कर मुनियों के पास में रहता है, और फिर एक वस्त्र अथवा दो वस्त्र को धारण करता है, और फिर उसकी अवस्था हो जाती है छुल्लक पीलक। ये उसका क्रम है। क्या तो वो इसलिए वो तो कोई वो है ही नहीं आगम। आप पढ़ आगम के अंदर तो बराबर, यदि अपने को धन की आवश्यकता है तो बराबर कमाए खाए, खुद बनाए खुद खाए, वो लेने वाला नहीं है, वो वास्तव में तो देने वाला है। वो यदि लेने वाला हो जाएगा तो सच्ची में मतलब जो वो यदि वो स्वयं भोजन लेने वाला होगा तो मुनिराज को शुद्ध भोजन देने वाला ही कौन रहेगा, क्योंकि एक व्रति तो ऐसा है, दूसरी से लेकर दसवीं प्रतिमाधारी जो व्रति है वो व्रति ऐसा है कि जो सबसे शुद्ध भोजन करता है, और वो शुद्ध भोजन करता है स्वयं ही, तो इसलिए वो शुद्ध भोजन करा भी सकता है। बाकी जो अव्रति है उसका तो भोजन अशुद्ध है, तो अशुद्ध ही। इसलिए शुरू से व्यवस्था रही, ये कोई आज की थोड़ी नहीं, हमेशा की व्यवस्था है। फिर प्रतिमाधारी पहले भी होते थे, व्रति होते थे, और व्रति स्वयं अपना कार्य करते थे, इसलिए मुनिराजों को भी बराबर आहार आदि सब व्यवस्था बना देते थे। उनके लिए कोई कठिन भी नहीं है, क्योंकि उनके लिए वो सब चीज़ें उनके जीवन का अंग है, सहज। तो ये है ये चीज़। अब वो ये एक्चुअल में सब ब्रह्मचारी शीतल प्रसाद जी हुए आज से लगभग 100 साल पहले। तो ये 100 साल पहले से ही आश्रम की व्यवस्था चालू हुई, इसके पहले आश्रम थी ही, ये जितने भी आश्रम बने ये सब पिछले 100 साल की देन है। बाकी 100 साल के पहले कोई आश्रम नहीं था पूरे हिंदुस्तान में। ये थे कि बच्चे लोग रहते थे, पढ़ाई वढ़ाई करते थे, तो विद्यालय होते थे शिक्षा के आलय, लेकिन वो या वृद्धाश्रम होते थे, और ये भी वृद्धाश्रम है एक्चुअल में, ये कोई वो तो ही नहीं है। इसमें सब बुजुर्ग लोग हैं, धर्म साधन करें, मैंने जो लोग अपने घर पर रह लिए और अब घर में रहने के बाद में हम निवृत्त होना चाहते हैं, तो वो निवृत्त होने के लिए अपने आ जाए, बाकी कुछ नहीं। क्योंकि एक युवा व्यक्ति के तो ऐसा है देखो कि वो धन यदि इकट्ठा करने जाए तो उसकी जो है उसकी तृष्णा का कोई पार नहीं। वृद्ध अवस्था में तो सब देख लिया, कमा लिया, खा लिया, सब हो गया, अब तो वो बस समाधि की तैयारी कर रहा है। तो वो उसके लिए है वो कि वो भैया तूने सब छोड़ दिया, लेकिन जिसने नहीं किया है वो तो उसका वही उपयोग करेगा जो मठ के लोग करते ना हिंदू धर्म के अंदर। वो मठ वाले लोग होते कि नहीं होते, अपने मठ वट बनाते हैं। ये तो एक्चुअल में है ही नहीं। अपने जैन दर्शन में आश्रम वाली कोई व्यवस्था नहीं, इतना है उदासीन आश्रम है, वृद्धाश्रम हो सकता है, वृद्ध पुरुषों के लिए रहने का स्थान हो, वृद्ध पुरुष लोग रहे, या जो बिल्कुल घर से निवृत्त हो गए वो रहे, उनके भोजन पानी की व्यवस्था कर दी, बाकी उनको धन ना धन वन करने की कोई व्यवस्था की जरूरत नहीं, पैसे की रुपये की कौड़ी की काई की जरूरत, जब सब कुछ त्याग दिया अब धन की क्या आवश्यकता। मतलब ट्रस्ट व्रस्ट होते हैं वो सब वो ले आते और कर देते व्यवस्था अपनी खुद ही, और इसीलिए वो सब व्यवस्था चलती भी नहीं शाश्वत,
उन व्यवस्थाओं में कोई ना कोई गड़बड़ आई बिना रहती नहीं फिर क्या। या तो क्या करेंगे, जो मंदिर के अंदर जो पैसा होगा वो मंदिर का पैसा खाने के उपयोग में आएगा, या धर्म के नाम पे जो लेके आएंगे उसको खाएंगे, और क्या करेंगे। इस संसार में ऐसा कोई आश्रम नहीं है, जब तक वो उसको बनाने वाला है वो जब तक रहेगा तब तक तो व्यवस्था चलेगी। जैसे ही वो गया, उसके पुत्र पुत्री आए, उनमें यदि धर्म की वासना नहीं है तो वो उस मन उसके उसकी जो भी आमदनी का धन आएगा वो आमदनी का धन वो कभी भी उस आश्रम को नहीं देंगे। वो नियम से वो कुछ ना कुछ उसका उपयोग हुआ, सब कहीं भी हो पूरा एक, क्यों चल ही नहीं सकती। वो व्यक्ति के अंदर खुद का संस्कार होगा तो वो उसको दान में लगाएगा, नहीं तो नहीं लगने देगा, क्योंकि वो उसका अधिकारी है तो वो उसको लेगा। मेरे पिताजी ने बनवाया मैं लेगा, तो फिर क्या होगा। वो जो रहने वाला उसको तो भोजन चाहिए, तो कुछ नहीं, वो भी अपने लिए कहीं से लेके अपनी व्यवस्था कर लेगा इसके। और इसलिए सबसे बढ़िया तो इसकी योग्य व्यवस्था ये होती है वास्तव में, कि वो व्यक्ति स्वयं अपने आश्रित हो, स्वाश्रित हो, और स्वाश्रित होगा तो उसको किसी की पराधीनता ही नहीं है। और जब पराश्रितता हुई और इस तरीके से धन कमाना चालू किया तो वो तो सबसे सरल तरीका है कि धन कमाने का, माने इससे जितना धन इकट्ठा हो सकता है उतना धन न एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर कमा सकता है न एक मैनेजर कमा सकता है। क्योंकि इसमें करना ही क्या है, एक घंटे सुबह जाओ, दो घंटे, एक डेढ़ हजार रुपये तो आराम से आते हो, ज़्यादा हुआ अच्छा वाला बढ़िया गाने वाने वाला सब बढ़िया मैनेजमेंट का, तो 5-10 हज़ार रुपये भी निकाल रहे हैं तो उसमें क्या है। तो दो एक दो घंटे में 5 हज़ार रुपये भी चाहे किसी सॉफ्टवेयर इंजीनियर को मिल रहे हैं, हिंदुस्तान में तो कहीं नहीं मिल रहे हैं, उससे बढ़िया इनकम और क्या। बहुत सारे हैं, पंचकल्याणक प्रतिष्ठा है, गृह प्रवेश है, विधान है, बहुत सारे आए थे, 10 लक्षण है इसके, हैं बहुत सारे इसके सारे अच्छे बढ़िया बढ़िया मोटे लिफाफे रहते हैं बढ़िया, जितना एक आम आदमी विचार नहीं कर सकता उससे ज़्यादा रहते हैं। और फिर वो उसके क्या है, वो उसमें भी दिक्कत क्या है सबसे बड़ी, कि जिसको बोलने की कला है उसको तो अच्छा हो जाएगा, और उसमें भी जिसकी विचार है कि बोलने की व्यवस्था मतलब बोलने की कला नहीं है, उसको खाने तक खिलाने पड़ जाते बेचारे, क्या करें। समझ लो थोड़ी भी योग्यता नहीं है तो उसको कोई ध्यान देने वाला नहीं, और जिसकी अच्छी योग्यता है उसके इतना है कि एक बैंक, दो बैंक, तीन बैंक उसको इनकम टैक्स फाइल करना पड़े, क्या करो। तो इसलिए वो तो बहुत व्यवस्थित जिनवाणी के अंदर इतना डिसिप्लिन व्यवस्था है, जहाँ इधर उधर हुए तो वो दोष आए बिना रहते ही नहीं उसमें। देखो और क्या है, अपन कहाँ थे यहाँ पे, अपन आ जाओ चाहते। तो एक तो पात्र तो कौन है, कौन पात्र हुए, एक तो मुनिराज उत्तम पात्र। कुपात्र कौन है, देखो कुपात्र का लक्षण इसमें निकालो आप, पेज नंबर 192 कुपात्र। देखो कुपात्र कह रहे हैं, इसमें से पढ़ के सुनाता हूँ। कुपात्र के लक्षण इस प्रकार जानना, जिसके हृदय में मिथ्या धर्म की दृढ़ वासना बैठी है, खोटे धर्म, ऐसे घोर तप करने वाले, सभी जीवों की दया करने में उद्यमी, आरंभ ए असत्य व कठोर वचन से परामुख। कितनी गड़िया गड़िया अच्छी अच्छी चीजें दी है, दिख रहा है ध्यान से, सब अच्छी अच्छी चीजें लगेगी एक आध दो पॉइंट के अलावा। क्या कहा उन्होंने, जिसके हृदय में मिथ्या धर्म की दृढ़ वासना बैठी है, ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव पॉइंट है, ये नेगेटिव। ऐसे ऐसे घोर तप करने वाले, तप करे घोर, सभी जीवों की दया करने में उद्यमी, सब जीवों की दया पालने में उद्यमी, असत्य व कठोर वचन से परामुख, असत्य वचन नहीं बोले, कठोर वचन नहीं बोले, सबसे प्रिय वचन कहने वाले, धन स्त्री कुटुंब से निष्प्रयी, निरंतर मिथ्या धर्म का सेवन करने वाले, तप जप तप शील संयम नियम में दृढ़ प्रीति रखने वाले, मंद कषाई परिग्रह रहित, विविध कषायों के विषय कषायों के त्यागी, एकांत बाग वनादि में रहने वाले, आरंभ रहित परिश्रम सहने वाले, संक्लेश रहित संतोष सहित, रस नीरस भोजन को संभाव से ग्रहण करने वाले, क्षमा के धारक। बस एक लाइन कही इसमें, इसके आत्मज्ञान रहित
बाह्य क्रिया कांड से मोक्ष मानने वाले, ये सभी क्या है? उपाय। ये इन्होंने जो दीना ही गाथा, ये त्रिलो इसमें आई है, त्रिलोय पंडती त्रिलोक सार अष्टपाहु, तीन ग्रंथों का हवाला है इसमें, तीन ग्रंथों का ऐसा कैसा हिंदी अनुवाद दिया है उसमें दिए सब लक्षण। बोलो क्या कह रहे सौरभ जी, इसको कुपात्र कह रहे? अभी अपात्र तो अपन ने किया ही नहीं है, कह रहा कुपात्र मिल जाए तो बहुत बड़ी उपलब्धि है भैया, बहुत बड़ी। दो तीन चीजें है उसमें बुरी, बाकी तो सब अच्छी अच्छी है, ये दो तीन चीजें माइनस कर दो तो पात्र बराबर है, लेकिन वो दो तीन चीजें ऐसी है कि वो उसको कुपात्र बना रही है। सीधी सी बात है कि वो भाई तो सब कुछ कर रहा है, लेकिन वो रत्न त्रय से रहित है, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चाहत से रहित है, क्योंकि अपनिया जो है ना, अपनिया अपने धर्म का लक्षण रत्नत्रय, बाह्य व्रत जप तप संयम शील सब चीजें हो, लेकिन सम्यक दर्शन का ठिकाना नहीं हो तो उसको कुपात्र कहा। भेद विज्ञान जिसके अंदर नहीं है, देह आत्मा का भेद जिसके ज्ञान में नहीं है, उनके वो कुपात्र, क्योंकि उसने जिन धर्म का रहस्य नहीं समझा है। जैन धर्म का रहस्य तो यह है कि जो जीव देह और आत्मा को भिन्न भिन्न जानता है वो इन सब चीजों को अपने आप स्वयं अंगीकार होता है, करता भी क्या है, उसके अपने आप इन चीजों का त्याग होता है, सहज होता है, ये सहज की चीज है। ये तो देह से राग टूटना चाहिए ना, देह में अपनापन टूटेगा ये सब चीजें अपने आप आएगी, और देह में अपनापन नहीं टूटा है, ये सब चीजें कर भी रहा है, कितने दमन कर रहा हो, इंद्रियों का दमन करे, क्या खूब रस नीरस भोजन करे, सब करे, लेकिन अभी इसको जो रस आना चाहिए आत्मिक आनंद का रस, वो भी आनंद नहीं आया इसको, तो आनंद नहीं आया तो बेचारा दुखी सहन कर रहा है, पात्र पात्र, क्योंकि धर्म आनंद का नाम, और आनंद तब आता है जब वो सच्चे रूप में किया जाता है। सच्चे रूप में कब करते हैं? जब वो समझता है वस्तु स्वरूप कि भाई ये तो देह भिन्न है और मैं भिन्न हूं, इस देह का चाहे कुछ भी हो तो वो देह सुखाता नहीं, देह अपने आप सूखती है, क्योंकि जब अपना पानी अपना सारा उपयोग जब वो निज आत्मा में लगाता है तो देह पे से उपयोग हट जाता है, फिर देह का चाहे जो, और जब तक अपनी मान्यता है कि नहीं ये देह ही मेरी है, देह ही मेरी है, मैं तो इसको सुखाओ तो सुखाओ क्या सुखाओ, और सुखाओ तो सुखाने के अंदर तो कष्ट लगेगा ना, कि देह को सुखाने में सुख है, ये देह को सुखाने में धर्म है इसलिए सुखाओ भैया, पता चल जाता बोले दस उपास करो पांच उपास, तो मैंने पता क्या चलता है, करके देखो पांच पता चल जाएगा, मैंने क्या पता चल जाएगा, तो पता मैंने दुख का पता चल जाएगा तो इसका मतलब सहन क्या कर रहे हैं अपन, दुखी सहन कर रहे हैं, अरे भैया अतीन्द्रिय आनंद का पता चल जाएगा इस बात सहित होवे तो वो सच्चा है, ये आनंद की वस्तु है, भाई हमारा देह से उपयोग हट गया, भोजन करने का विकल्प नहीं आया, वो विकल्प भी आत्म साधना में बाधक लगने लगा, उसको मारा नहीं क्या, किसको, भोजन की इच्छा उत्पन्न नहीं हुई, सहज क्यों नहीं हुई, अतीन्द्रिय आनंद का रस आने लगा, आत्मिक आनंद में मगन, बाहुबली भगवान खड़े हो गए तो हिले ही नहीं 1000 वर्ष में, अब उपास किया होगा उन्होंने, आज अपने एक दिन का उपास, अब एक दिन और हो गया दो का उपास, आज तीसरा तेला हो गया, आज चोला अब पंचेला हो गया, अब ये छठा रिकॉर्ड, ये सातवा, कुछ नहीं ये सब सच, केवल ज्ञान प्राप्त हुआ सीधे, किसी ने नहीं भी किए 1000 वर्ष तक तो भी उनको भी केवल ज्ञान, मतलब मूल चीज तो क्या है, राग का अभाव पूर्वक आत्मस्वरूप की स्थिरता, वो असली सम्यक चरित्र है और उसकी प्राप्ति हो जाए तो केवल ज्ञान की प्राप्ति निश्चित रूप से होती है, वो तो छपक श्रेणी मार ले, शुक्ल ध्यान पे आरोहण करे तो उसका फल केवल ज्ञान है, और वो तो जानता नहीं ये सब चीजें करता रहता है, वो सोचता धर्म कितना कठिन है भैया, करो तो पता चलता है, कई बच्चे लोग तो युवा पीढ़ी तो यही सब चीजों को धर्म समझ के और इससे बहुत विमुख रहती, उनको लगता है कि बहुत कष्ट का काम है, ये नहीं खाना वो नहीं खाना, ये करना वो करना, ये करना, अपने बस की बात तो है नहीं,
हम तो खाओ पियो मजा करो। क्या क्या है वहाँ पे? कई लोग तो बैठने में डरते कि भैया क्या वहाँ क्या सुनाएंगे, यही सुनाएंगे कि ये मत खाओ ये मत खाओ ये मत खाओ ये मत खाओ, ऐसा सोच के ही वो इससे बिल्कुल दूर। अपने से छूटने वाला तो है नहीं, अपन जाके भी क्या करेंगे? अब उसको बताएं कि भाई हम कह ही नहीं रहे कि तू छोड़, हम तो ये कह रहे हैं कि वस्तु स्वरूप क्या है उसको समझो कि अपन कौन है, क्या अपना स्वरूप। अपन किसी पीछे से पड़ रहे छोड़ छोड़ छोड़, सही वस्तु स्वरूप क्या है समझो, सही कौन हूँ मैं, कहाँ से आया हूँ, क्या मेरा स्वरूप। लेकिन जीवों की धर्म के बारे में मेनली यही श्रद्धा, धर्म माने इन चीज़ों को छोड़ना, धर्म ग्रहण करने का भी नाम है, ये उनके चित्त में ही नहीं। धर्म तो आत्मस्वरूप को ग्रहण करने का नाम, आत्मा के ग्रहण पूर्वक देह का त्याग होता है, बिना ग्रहण के काय का त्याग। कोई चीज अच्छी हाथ में लगती है तो खोटी चीज अपने आप छूट जाती है, जैसे जब अपना निज स्वरूप में रुचि लगती है तो अपने आप ये सब विषय भोग की रुचि टूट जाती है, कोई तोड़नी नहीं पड़ती, टूट जाती है अपने आप सहज। तो इसलिए उन्होंने कहा कि आत्मज्ञान रहित और बाह्य क्रिया कांड से मोक्ष मानने वाला, इससे मोक्ष जाएगा, वो तो बेचारा अज्ञानी है, भोला है, और कोई दिक्कत नहीं उसको, वस्तु स्वरूप पता ही नहीं, उसने इन सब चीज़ों से मोक्ष मान रखा है और आत्मज्ञान का वो पुरुषार्थ नहीं करता, वेद विज्ञान का पुरुषार्थ नहीं करता, इसलिए उसको क्या कहा, उपात। माने बेईमान मिथ्या दृष्टि नहीं है, ईमानदार, इसकी गलती इतनी है कि इसको वस्तु स्वरूप की खबर नहीं, ये अपनी बुद्धि से जो भी इसने धर्म मान रखा है, बुद्धि से जो भी मोक्ष का कारण मान रखा है, उसको पूरी ईमानदारी से करता है, कष्ट भी सहता है, लेकिन कष्ट सहने पर भी जरा सा काम नहीं करता, तत्व का ज्ञान नहीं करता, तो कष्ट सहने के बाद भी मोक्ष का पाप नहीं। और देखो आगे, कितने जिन धर्म का पक्ष ग्रहण करने वाले भी एकांती हटग्राही अपनी बुद्धि से ही अपने आप को धर्मात्मा मानते हैं, कितने ऐसे भी हैं जो जिन धर्म का पक्ष ग्रहण करते हैं, हम जैनी हैं, ठीक है जैनी तो हैं, लेकिन एकांती माने जो एक बात समझ रखी है वही बस वही है दुनिया में, कुछ नहीं, एक पक्ष को मानने वाले हटग्राही, हटग्राही इतनी कि अपनी बात नहीं छोड़े। और इसलिए ना पुरुषार्थ सिद्धि पाए में धर्म को ग्रहण करने वाला जो पात्र है उसका एक लक्षण दिया है कि वो मध्यस्थ होना चाहिए, यदि उसमें पक्षपात पड़ा है तो वो जिन उपदेश सुनने का पात्र ही नहीं है। नास्ति उपदेश, उपदेशो नास्ति, ऐसी गाथा है अमृत चंद्राचार्य कि जो वस्तु स्वरूप जो मध्यस्थ नहीं रह सकता, माने जो राग द्वेष रहित पक्षपात रहित होने की जिसमें सामर्थ्य नहीं है, वो जीव धर्म को प्राप्त करने का पात्र नहीं, क्योंकि ये धर्म बहुत बिल्कुल सारी चीज़ें छोड़ के एकदम पूरा, किसी चीज़ का पक्ष ना हो, समस्त पक्षपात को छोड़ के और बिल्कुल फ्रेश बुद्धि से यदि वो ग्रहण करेगा तो ही वो समझ पाएगा कि वस्तु स्वरूप क्या है। यदि किसी भी पक्ष, किसी भी नए का उसको पक्ष है, निश्चय नए का, व्यवहार नए का, तो वस्तु स्वरूप समझना उसके लिए मुश्किल, तो पक्षपातियों के लिए बहुत मुश्किल है। इसलिए उन्होंने कहा एकांती हटग्राही, हटग्राही माने हमने जो समझ रखा है वो सब पक्का है फाइनल, तो ऐसे को कौन समझा सकता है, अपनी बुद्धि से ही अपने आप को धर्मात्मा मानते हैं। उनमें से कुछ तो जिनेंद्र का पूजन आराधन गान भजन से ही अपने को कृतकृत्य मानकर बाह्य पूजन स्थान आदि में तत्पर, माने ये जितने भी है ये कुपात्री, इनमें क्या है, ये किसी धर्म के एक अंग को मुख्य करके अन्य अंग का उत्थापन करते हैं। माने कोई पूजा की स्थापना करता है, स्वाध्याय की उत्थापना करता है, कोई स्वाध्याय की स्थापना करता है, पूजन की उत्थापना करता है, कोई और समझ लो दान की स्थापना करता है, आरंभ करे कितने ही चलेगा, कोई आरंभ खूब करेगा क्या और दान उसको देने के अंदर इतना सही भाव, माने ये एक 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 चीज को मुख्य किया है। जैसे पूजन प्रभावना के नाम पे खूब पाप करे और इधर जो है रजनंश मात्र भी अहिंसा का ध्यान दे रखे, कोई का अहिंसा इतनी चढ़ जाए चित्त में कि वो जो बिल्कुल योग के कार्य गृहस्थ के योग वो भी नहीं करे, तो वो एक अंग की जब मुख्यता हो जाती ना
एक कपड़ा तो इतना बढ़िया और दूसरा एकदम ऐसी स्थिति है, मैंने एक धर्म का अंग तो बहुत ऊंचा पालते हैं और दूसरा धर्म का ठिकाने नहीं, बैलेंस नहीं है इसको। तो कुछ तो जिनेंद्र का पूजन खूब करेंगे, आराधन करेंगे, गान करेंगे, भजन करेंगे और अपने को कृतकृत्य मानकर, कृतकृत्य माने हो गया अपना धर्म ध्यान पूरा हो गया और बाह्य पूजन स्थान आदि में ही तत्पर है। तथा अन्य ज्ञानाभ्यास व्रतादि में शिथिलता रखते हैं, मैंने ज्ञानाभ्यास में शिथिल है एकदम, शिथिल माने कोई ठिकाने, ज्ञानाभ्यास करने का रंच मात्र भी उद्यम ही नहीं है और व्रतादिक में भी शिथिल है, कुछ त्याग करने की बात करो भी नहीं, पूजा करे खुद, पूजन करते ही बाहर है ऐसे लोग, वो भी आदत है उनकी, वो भी आदत है, नहीं चलो एक अच्छी भी है कम से कम, खोटी गति नहीं होगी लेकिन कल्याण भी नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही पूजन खत्म होती है वो चालू हो जाता है। मैंने उनसे कहा, मैंने प्रवचन वचन में आया करो हमारे, रोज मिलते मेरे को बाहर, मेरे सामने छुप छुप के, अब कितनी बार छुपे, आखिर में दिख जाए रोज, मैंने कहा क्यों छुपते हो यार, खा रहे हो तो खा लो, आपके जो खाना, बोले पंडित जी क्या करें मुँह में रहता है तो आपके प्रवचन में कैसे आ सकते, तो मैंने कहा ये रखते क्यों मुँह में, मैंने थोड़ी नहीं कही कि मुँह में रखो, छोड़ दो मुँह में रखते हो, लेकिन वो आदत पड़ी हुई है। तो इतनी एक धर्म का अंग तो कितना ऊंचा, माने भगवान की पूजन करने वाला जीव क्या होता है, वो तो उसके क्या उत्कृष्ट जीव होता है, और वो ये काम करे निंद तो लोक में निंदा की पात्र होगा, और व्रत आदि मतलब जरा भी व्रत में बिल्कुल शिथिल, शिथिल माने रात्रि भोजन का कहो नहीं, अंचने जल का त्याग नहीं, सामान्य चीजों का भी त्याग का हो, ये द्विदल विदल का भी, वो भी नहीं, पूजन करेंगे क्योंकि पूजन बचपन से करते आए वो हमारा धर्म होगा। तो व्रत में शिथिल है और ज्ञानाभ्यास में, ज्ञानाभ्यास तो कोई मतलब ही नहीं है उनको, कोई लेना देना नहीं, कितने जलादि से धोना, सोधना, अन्नादि को धोना, स्नान कर भोजन करना, अपने हाथ से बनाया भोजन करना, वस्त्र आदि को धोना, धोए हुए स्थान में जीवना इत्यादि क्रिया करके ही अपने को धर्म हो गया ऐसा मान, मैं तो रहा हूँ ऐसी जगह जहाँ हमारी जो मकान मालकिन थी वो मकान मालकिन आलू भी धो के खाती थी, हाँ, और हमारे यहाँ पे इधर पद्धति नहीं थी, मैंने देखा ही नहीं था बचपन से हर चीज़ धोना, और ना उस समय कॉलेज लाइफ में इतना टाइम मिलता था, हम तो अपना खाना ही बना लेते थे, वही बहुत बड़ा हो जाता था, तो हम धोते नहीं थे, तो वो हमसे तो मेरे को तो बहुत महापापी मानती थी, बार बार टोकती भी थी, पता नहीं कैसे कैसे धर्मात्मा हो गए लोग, जी जी ने धोवा थे क्या, रोज मैं सुनता था उनकी, अब मैं क्या करूँ। तो मैंने एक दिन उनसे कही, मैंने कहा एक काम करा करो, तुम तुमको बहुत धोने का लग रहा है तो मेरे गेहूँ तुम ही धो दिया करो। तो मैंने कहा ऐसा है तुम्हारे गाँव में बहुत पानी तुमने देखा है, हम मारवाड़ की साइड से आए, तो मारवाड़ में पानी मिलता ही नहीं था, तो हमारे पूर्वजों के वही संस्कार है, तुम जहाँ उत्पन्न हुए और तुमने बचपन से खूब पानी देखा, इसलिए हर चीज़ को पानी से धोना, और मैंने कहा पानी से भी धोते हो तो पहले ये विचार करो कि पानी भी कितना है, नहीं है, क्या है, मैंने पानी भी छना है कि नहीं है, और छना भी है तो जो उसकी विधि है छानने की वो है कि नहीं, और फिर जहाँ तुम ढोल रहे हो वहाँ चीटियाँ ज़्यादा नहीं मर रही है, और वो धोना करना है वो बराबर है, लेकिन वो भी यदि अत्यधिक हो जाए और वो उसकी भी सीमा उल्लंघन हो जाए तो वो उससे दिक्कत ही खड़ी होने वाली हो जाए, एक हर चीज की सीमा होती है, नहीं तो ये हिंदूवाद होता है ना, हिंदुओं में यदि आप बिना नहाए कुछ काम कर लो, कोई आदमी बिना नहाए भोजन कर ले तो वो बहुत बड़ा पापी माना जाता है, इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बिना नहाए भोजन कर लेना है, उल्टा अर्थ मत समझना, लेकिन ये सब लोकाचार है, नहाना धोना चीज़ें धोना साफ करना चीज़ें साफ करके करना सब लौकिक आचार है, इससे रत्नत्रय का कोई संबंध नहीं, ये सब तो पात्र बनाते हैं अपने को, लेकिन ये करके धर्म हो गया ऐसा कुछ नहीं है, हम खूब नहा लें धो लें सब चीज़ कर लें उससे रत्नत्रय आ जाएगा, वेद विज्ञान हो जाएगा, बल्कि ये होगा कि रात दिन उसी उसी में लगा रहेगा, चीज़ें धोना उसका मना नहीं कर रहा हूँ मैं, उल्टा अर्थ मत लगाना, लेकिन हर चीज़ की एक सीमा है, क्या कुछ करेगा, नहीं नहीं मैं यूँ मैं मना ही मैं तो कर ही नहीं रहा हूँ, अपने यहाँ तो यहाँ भी इंदौर में भी खूब पानी है, खूब करो कोई दिक्कत नहीं, जब पानी नहीं होगा क्या करेगा,
क्या होता है कि बहुत सारी जो है ना देश काल की के संस्कार होते लोगों के, मतलब मैं सचमुच बिल्कुल ये वर्णी जी के शब्द की कह रहा हूँ मैं, कि क्या देश काल के संस्कार होते हैं कि किसी देश में उसी पद्धति से होता है, किसी देश में उस पद्धति से होता है। उसमें हर चीज़ में इतना है कि जो जिनवाणी के अनुकूल हो वो तो सब बढ़िया है। जिनवाणी में इतना ही कहा है कि भाई जीव रक्षा का सबसे पहले ध्यान रखना, जो काम करो उसमें अहिंसा मुख्य होनी चाहिए। तुम कोयला भी धो इधर और आलू भी धो लो तो तुम भले ही धो रहे हो, लेकिन धो रहे हो लेकिन धो किसको रहे हो, आलू को ही तो धो रहे हो। फिर यदि सचमुच जीव दया का विचार है तो आलू प्याज गाजर मूली जमीकंद तो नहीं आवे, रात्रि भोजन नहीं आवे, लेकिन वो जो कुल के संस्कार है वो उगते तो सीख लिए, हर चीज़ धोना तो सीख ली, लेकिन क्या चीज़ नहीं खाना कम नहीं खाना वो उसका कोई संस्कार नहीं। इसलिए मैं ये जो कुल क्रमागत जो भी चीज़ें चलती है मैं कहता हूँ कि इससे ज़्यादा जो है जो जिनवाणी के अनुसार चलता है वो बराबर है, क्योंकि कुल क्रम से आने वाला तो क्या है, जो उसको जचती है वो उतना कर लेता है, जो नहीं जचती है छोड़ देता है। देखो यहाँ पर लिखा ना, मैं कुछ कह रहा हूँ, कितने जलादि से धोना, सोधना, अन्नादि को धोना, स्नान करके भोजन करना, अपने हाथ से बनाया भोजन करना, मैं किसी और के हाथ का भोजन नहीं करता, अच्छी चीज़ है ये भी, क्योंकि अपना भोजन वही होना चाहिए बनाने वाला जो जिसको यत्नाचार हो, जीव रक्षा का भाव। वस्त्र आदि को धोना, बस अपने कपड़े खुद ही धो देना। अब इसमें भी यदि अपन ने छान के पानी दे दिया किसी को, वो छान के पानी दे दिया, जगह दे दी साफ करके, अब वो भाई धो देगी तो क्या हो जाएगा, लेकिन नहीं मैं मेरे कपड़े खुद ही धोता हूँ, धो। अब जिंदगी में यदि तुम सारे काम खुद ही करोगे, बर्तन वाली भी खुद, कपड़े वाली भी खुद, खाने वाली भी खुद, बाजार में सब काम करने वाली भी खुद, तो फिर तू यहाँ जब बैठेगी स्वाध्याय में तो आराम से सोएगी अच्छे से, और क्या होएगा। ये तो थोड़ा विवेक तो अपने को करना ही पड़ेगा, मैनेजमेंट नहीं करना सीखा अपन ने, ये काम में धर्म मान लिया तो करते रहो काम। मैं तो बल्कि कहता हूँ कि जितना अपन अपना काम ऐसा हल्का कर सकते हैं, यानी जिसमें जीव हिंसा भी नहीं हो, कोई दूसरा कर सके, तो अपना काम उतना हल्का कर लेना चाहिए। यदि कोई जैनी हो जिसको यत्नाचार का बहुत विवेक है और धन की आवश्यकता हो तो उसको अच्छे से पैसे दे के और उससे काम करा लो, यदि उसके यही संस्कार है, वो इसी में धर्म मानती है, चीज़ों को धोने में साफ करने में, इसमें उसको धन की आवश्यकता भी हो तो खूब धन दो तुम उसको अच्छे से, क्योंकि उसको इसमें धर्म लग रहा है तो वो अच्छे से करेगी, और तुम्हारा समय बचेगा तो तुम अपने समय को ज्ञानाभ्यास में लगा, थोड़ा धन का लोभ मिटना चाहिए बस, वो लोभ तो ही मिटता। वो कहता है कि इसको 5,000 कैसे दे दूँ, 5,000 में तो एक ये आदमी आ जाता 2 घंटे के, 5,000 ये 5,000 के उसको 6,000 भी देना पड़ेगा तो दे देना, बहुत सस्ता सौदा है वो। एक जैनी आदमी काम पे मिल जाए वो लाख रुपए के बराबर है, क्योंकि वो जैसा यत्नाचार पाल सकता है वैसा कोई अजैनी पाल ही नहीं सकता, उसको हम कितने सिखा भी दे लेकिन उसके खून में वो संस्कार ही नहीं जो एक जैनी के संस्कार, तो वो तो अपने को बहुत सस्ता मिल रहा हो, अपना समय बचा रहा है, भोजन का समय बचा रहा, सब बचा रहा, थोड़ा सा खाने का राग भी कम हो जाए कि जैसा बने वैसा खा ले, क्योंकि इन सब चीजों में वो कह रहे हैं इनमें जो वो अभी तो ये कुपात्र की बात करें कि कोई लोग इतने में ही धर्म हो गया ऐसा मानते हैं, और कुछ लोग कैसे हैं कितने देख के चलना, सोच के चलना, सोना बैठना, जल को बड़े यत्नाचार पूर्वक काम में लेना, इतने से ही अपने को कृतकृत्य मानते हैं, माने कोई भी ये सब लोग क्या है एक एक क्रिया में अपने को कृतकृत्य मानते हैं, इतना ही है। जो एक क्रिया कर रहे हैं वो तो अच्छी है, लेकिन उतने में अपने को कृतकृत्य माने मैंने सब कुछ कर लिया, धर्म की फाइल अपनी क्लोज, सुबह पूजा कर आए क्लोज, पानी सब धो धो के नहा धो लिया, नहा धो के खाना खाया, फाइल क्लोज। देख के चलना, सोधना, चलना, बैठना, उठना, जल को अत्याचार पूर्वक काम में लेना, ये हो गया फाइल क्लोज, इतने में कृतकृत्य मानते। अन्य क्रिया रहित को निंद में जानते हैं, अन्य क्रियाओं को जो अन्य जो दूसरे लोग हैं उनको निंद जानते हैं, और उनको निंद जान के उनको ऐसी दृष्टि से देखे मैं तो बहुत बड़ा धर्मात्मा हूँ और बाकी ये सब पापी, मैं एक अकेला कुएं का पानी पीने वाला हूँ, बाकी ये सब नींद नींद निंद महापापी दुराचारी। तो वो कह रहे हैं कि ये एक अकेली तूने क्रिया कर ली और उससे अपने को धर्मात्मा मान लिया,
और अन्य जीवों के प्रति कषाय भाव बनी हुई है वैसी की वैसी। कितने ही उपवास आदि तप व्रत रस परित्याग आदि करके अपने को ऊंचा मानते हैं, कोई इसकी किसी का इसमें रस होता है, व्रत करके तप करके रस परित्याग करके रस छोड़ रखे हैं और अपने को ऊंचा मानते हैं, और जो नहीं करते उनको हीन जानते हैं। कितने दुखियों भूखों को भोजन देने में धर्म, भोजन देने को ही धर्म मानते हैं। किसी का ऐसा है कोई सोशल सर्विस में होता है, भाई अपन तो मंदिर वंदिर जाते ही नहीं, अपने हिसाब से तो क्या गरीब कोई आता है तो भूखे को भोजन करा देना, क्या किसी गरीब की सहायता कर देना, ये धर्म। कितने भद्र परिणामी सभी धर्मों को समान जानते हुए विचार रहितता में ली, कितने को ऐसा है अपन तो चक्कर में नहीं पड़ते, वैसे सब धर्म समान है बस कहाँ किसी के एक किस में से। और कितने ही परमेश्वर के नाम मात्र कोई धर्म जानकर विकथा रहित निंदा रहित होते हैं, कितने दूसरे की किसी की निंदा भी नहीं करेंगे, क्या विकथाएं भी नहीं करेंगे, फालतू बात भैया अपने को समय मिला है माला फेर लो, अच्छी बात है माला फेरना, लेकिन पंच परमेष्टि के स्वरूप को जाने बिना केवल माला फेरने को धर्म जानते हैं। कितने ही अन्य जीवों का उपकार करके सभी की विनय करने को धर्म मानते हैं, सबको विनय करो। कितने ही अपनी इंद्रियों को दंड देते हुए रूखा सूखा एक बार भोजन कर मौन अवलंबी हुए अपनी आयु जहाँ चाहे रहकर व्यतीत करते, रूखा सूखा भोजन करेंगे मौन से करेंगे और अपनी आयु को जाए चाहे जहाँ रहकर व्यतीत करेंगे। कितने अनेक भेषों के धारक मंद कषाई परिग्रह रहित विषय रहित रहते हैं, क्या मंद कषाई है परिग्रह रहित है और विषय रहित है, पांच इंद्रिय के विषय भोग में नहीं रह रहे। और कितने एक बार कोई हाथों में भोजन रख दे उसे खाकर याचना रहित विचरण करते हैं, इस प्रकार अनेक एकांती, ये सबको एकांती कह रहे हैं, क्यों कहा एकांती इनको, बस और कोई बात नहीं, जो एक क्रिया कर रहे हैं वो अच्छी है लेकिन उसको ही धर्म मानते हैं, अन्य सब चीजों का उत्थापन करते हैं, इस प्रकार अनेक एकांती परमागम की शरण रहित, मैंने परमागम माने जिनवाणी की शरण रहित, जिनवाणी क्या कहती है, जिनागम में क्या उपदेश है, जिनागम की क्या शिक्षा है, उसकी शरण रहित, परमागम की शरण के बिना जो काम करेगा तो वो ऐसे ही होगा, और जो परमागम की शरण लेगा तो अपने आप परमागम में तो सब बातों का उपदेश मिलेगा, उसका भी मिलेगा उसका भी मिलेगा सब भी मिलेगा, तो अपने आप सब चीज आएगी। तो ये कैसा जीव है, परमागम की शरण रहित, मैंने इसने जिनवाणी की शरण नहीं ली, और आत्मज्ञान रहित, मिथ्या दृष्टि ये सब क्या है, कुपात्र है, इन सबको कुपात्र कह रहे, ये सब पात्र नहीं है, ये सब कुपात्र, ये तीन हो गए कुपात्र भी हो गए, अब देखो अपात्र भी देखो पढ़ लो, अपात्र को अपात्र के लक्षण पेज नंबर 195, अपात्र के लक्षण कुपात्र, तीसरा है अपात्र, अपात्र कौन है, जो दया रहित हो, मिला अपात्र, अब अपात्र के लक्षण कहते हैं, सबसे पहला पॉइंट जो दया रहित हो, दया नहीं हो, क्या किसी की जो कुछ करना हो जिसका, मैंने हिंसा, हिंसा के आरंभ में आसक्त हो, किसी को मरवाना हो पिटवाना हो करवाना हो गुंडागिर्दी जो कुछ करना हो, गैंग डैंग क्या कहते हैं है कि नहीं, डॉन डॉन, यूं भले चोला तो पूरा ऐसा है एकदम कोई कुछ कर भी नहीं सकता लेकिन है पूरे एकदम डॉन, दया रहित हिंसा के आरंभ में आसक्त हो, नाम भी उनके बड़े बड़े वहाँ बोल नहीं सकते मैंने खासकर जो अन्य मतों में है, जो दया रहित हो हिंसा के आरंभ में आसक्त हो महालोभी हो और परिग्रह बढ़ाना चाहता हो, परिग्रह मतलब जैसा जैसे परिग्रह बढ़ता है त्यों त्यों आनंद बढ़ता है, नेगोशिएशन भी हो जाती परिग्रह क्या मैंने कितना तो मांगने वाला और देने वाला होना है चाहिए, देने वाला तो एक है आप अधिक रखो और लेने वाला है कि नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन दुनिया ही बदल गई, देने वाला कहता नहीं नहीं इतना तो नहीं लगेगा, देने वाला इतना क्यों नहीं लगेगा पहले एक जमाना था, दो सेकंड में मैं बात, एक सेठ जी थे, सेठ जी
तो सेठ जी को एक लगा कि कोई एक व्यक्ति है तो उसको देना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया कि उसको अपने यहाँ बुलाया और लड्डू दिए, लड्डू ऐसे नहीं दिया, धन नहीं दिया, धन लेंगे ही नहीं, तो लड्डू दिए और लड्डू के अंदर स्वर्ण आदि छिपा के उसको दिया। तो वो उसके घर में गया, वो तो देखा तो लड्डू में निकले, तो वापस लौटाने गया, बोले सेठ जी आपने जो लड्डू दिए थे उसमें निकला। तो उन्होंने कहा हम नहीं जानते भैया, हमने तो कुछ नहीं रखा, तुम्हारे भाग्य से आ गया होगा, किसने कहा हमारे पास खुद के आवाज़ कहीं लड्डू आया था और चला गया। तो ऐसे भी लोग थे इनको लगा कि इसको कुछ आवश्यकता है, दे दिया। यद्यपि उसको भी दान नहीं कहा शास्त्र में, अथवा ऐसे कोई किसी के कोई सेठ जी थे तो उन्होंने कहा आपके जो है ना आपके पिताजी की रकम यहाँ लिखी हुई है हमारे हमारे हिसाब में इनको देने के लिए। तो वो उसने मना किया लेने वाला है, नहीं मैंने तो पिताजी ने कोई दे ही नहीं किसी को, दे तो लेने वाला तो मना करे क्या, और देने वाला ऐसा हो तो बिना कोई उसके तो बात अलग है। लेकिन अभी तो महालोभी परिग्रह बढ़ाना चाहता हो, धनी होकर के भी मांगता हो, सबसे पहले पूछे उससे कि तुम्हारा एक काम करो तुम्हारी बैलेंस शीट लेके आओ, क्या क्या है तुम्हारे पास, तुम्हारे नाम के कितने मकान हैं, कितने प्लॉट हैं, सब पहले डिस्क्लोज करो, पता चले कि हम तेरे को दे रहे हैं और हमारे पास तेरे से भी कम है, और हमारा तो खर्चा भी कम ज़्यादा है और तेरा तो खर्चा भी कम है। यज्ञ आदि करने वाले, यज्ञ करने वाले वेदों में कई हिंसा धर्म में लीन हूँ, चंडी भवानी का सेवन सेवक होकर बकरा भैंसा का घात करने वाला हो, कुदान को लेने वाला हो, खोटे दान कहे पीछे, कुदान माने स्वर्ण हस्ती कन्या ये सब कुदान में, भूमि सब कुदान में ही, शराबी हो, भंगेड़ी हो, हाँ भंगेड़ी को देते लोगों को, वेश्यागामी हो, जिन धर्म का द्रोही हो, शिकार आदि में धर्म कहने वाला हो, पर धन पर स्त्री का चाहने वाला हो, अपनी प्रशंसा करने वाला हो, व्रती नाम धराकर व्रत भंग करके पांच पापों में आसक्त हो, बहुत आलंबी हो, बहु परिग्रही हो, तीव्र कषाई हो, असत्य भाषण में लीन हो, खोटे शास्त्रों का उपदेश देने वाला हो, तथा जिन शास्त्रों में खोटे शास्त्र मिलाकर मिथ्या प्ररूपण करने वाला हो, व्यसनी हो, पाखंडी, अभक्ष भक्षक, व्रतशील संयम तप से परामुख, विषयों का लोलुपी, जिह्वा इंद्री का वशीभूत, मिष्ट भोजन का लंपटी, ये सभी अपात्र है, ऐसे अपात्र है। और इनको दान देना कैसा है ये भी पढ़ लो, देखो अगले पैराग्राफ पे, अगले पेज पे 196, अपात्र को दान देना कैसा है, पत्थर पर बीज बो देने के समान है, बीज का बीज भी चला जाएगा, पत्थर पर बीज बो देने के समान है, कड़वी तुम्बी में दूध रख देने के समान है, वो भी क्या हो जाएगा, दूध भी कड़वा, घने जंगल में चोर के हाथ में अपना धन सौंप देने के समान है, घना जंगल और चोर को कह रहे भैया तू संभाल के रखना, अपना जीवन बढ़ाने के लिए विष भक्षण करने के समान है, आयु बढ़ जाए इसलिए जहर खा लो, रोग दूर करने के लिए अपत्य सेवन करने के समान है, सर्प को दूध पिलाने के दूध पिलाने दुख की उत्पत्ति का बीज है, अपना धन अंधे कुएं में पटक देना, अंधे कुएं में, परंतु अपात्र को दान नहीं करना चाहिए, अपात्र दान तो अपने घर में विष के वृक्ष को उगाने के समान है, जब उसका फल आएगा तब पता चलेगा, अपात्र का साथ दावाग्नि के समान दूर से ही त्याग देना चाहिए, दावाग्नि है बहुत भयंकर जला देगा, जैसे वृक्ष के वृक्ष की गंध ही मूर्छित कर देती है, जहर के वृक्ष की गंध ही, उसी तरह अपात्र की संगति भी आत्मज्ञान से भ्रष्ट कर देती है। इस तरह दान के वर्णन में पात्र कुपात्र अपात्र का वर्णन किया। अब देखो पात्र के दान का फल अपन ने नहीं पढ़ा अभी, और कुपात्र के दान का फल नहीं पढ़ा, अब कल होगा तो फिर वो